हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में, वो बिजनेस जिसको आप करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। और इवन अगर बात किया जाए इस बिजनेस की, तो ये हमेशा चलेगा, सालों साल चलता है और पब्लिक डिमांड है। सबसे बड़ी बात है, लोगों की जरूरत की चीजें हैं जिसे आप बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमाने वाले हैं। और बहुत लोग ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास अच्छी खासी पूंजी है और वो चाहते हैं कि उस पूंजी को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें जिससे रिटर्न अच्छा मिले। जैसे आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी अगर आपके पास पैसे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर जो बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे भी हैं बट वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, तो आपके लिए राइट वीडियो है। इसे जरूर 5 से 6 मिनट तक आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। इसके बाद आपकी मर्जी है, उस चीज को रिसर्च करेंगे, आपको अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, करना है या नहीं करना है, वो तो बात की बात है। लेकिन यार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बिजली के सामान का दुकान खोलना, यानी कि इलेक्ट्रिक बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिजनेस में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यार ये जो चीजें हैं ये हमेशा उपयोग ऐसी चीज बन चुकी है जो हर घर में इस्तेमाल होती है। इसमें सबसे जेन्युइन चीज जो होता है, जैसे एलईडी बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, स्विच हो गया, होल्डर हो गया, बोर्ड हो गया, पीवीसी पाइप हो गया, मतलब वायरिंग का पूरा सेटअप हो गया, ठीक है, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर की ज़रूरत है दोस्तों। और नए नए घर बनते जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, गाँव हो, देहात हो, छोटा कस्बा हो, बड़ा कस्बा हो, हर जगह इस प्रोडक्ट की डिमांड होती है। ठीक है, और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस इस वजह से है क्योंकि ये MRP पे नहीं बिकता है, इसका कोई रेट खुला नहीं है। तो एक अच्छा सा आप अगर निर्णय लेंगे तो इस बिजनेस में आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इस बिजनेस को दोस्तों 4 चांद तब लग जाता है जब आप बिजली के काम में माहिर हो, यानी आपको बिजली का काम करना आता हो। और अगर आपको बिजली का काम नहीं भी करना आता है तो भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस मिस्त्री को पकड़िए जो आपके परिचय में होंगे ही, जाहिर सी बात है, 1-2 लोग ऐसे जो आपको पहली खरीदारी में मदद करेंगे। बिजली के सामान में क्या क्या जो चीज़ें बिकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें भी, ठीक है, तो वो पहली लिस्ट आपको बनाने में हेल्प कर देगा वो मिस्त्री को, अगर आप पकड़ेंगे। ठीक है, और एक अच्छा सा मार्केट में प्लेस देखें, एक अच्छा सा रूम देखें, वहाँ पे आप बातचीत करें, किराया भाड़ा अपना निर्धारण करें और वहाँ पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। तो पहली लिस्ट ये जो बनाएगा वो मिस्त्री बनाएगा, और जब मिस्त्री आपके साथ, बहुत सारे मिस्त्री आपके साथ जुड़ जाते हैं तो वो आपको बिजनेस दे पाएंगे। दोस्तों हर रोज़ हर नए मकान बनते हैं गांव में, इधर उधर हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं ऑफिसेज बन रही हैं, कहीं आपको स्कूल बन रहे हैं, तो बहुत सारी जगहों पे वायरिंग के बहुत सारे काम होते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको 5-5 लाख 6-6 लाख एक एक महीने, 2-2 महीने 6-6 महीने का एक साथ ठेका मिल जाता है काम करने का। और ये जो बिजनेस है दोस्तों ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 30-50% की मार्जिन वाला बिजनेस है। और जब इस बिजनेस में आप डेप्थ तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से सबसे सस्ता प्रोडक्ट आप लें और किस तरीके से अपनी आप प्रॉफिट मार्जिन को और बढ़ा सकते हैं। और बाद में जाके आप होलसेल बड़े स्टॉक में कर सकते हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार गांव इधर उधर कस्बे के हैं वो भी आपसे प्रोडक्ट लेके जाएंगे, उस पर भी आप 10-15% कमाएंगे। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों अभी कोई फिलहाल शुरुआती लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, बाद में माल मंगवाने के लिए आपको आने वाले समय में आप GST ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप कहीं पे भी एक अच्छी जगह पे आप कर सकते हैं, मार्केट में जहाँ पे लोगों का आना जाना हो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आप रिसर्च कर सकते हैं जहाँ पे भी कहीं नई मकान बन रहा हो, नया स्कूल बन रहा हो, नया हॉस्पिटल बन रहा हो, वहाँ पे पहले से जाइए, अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको हम वायरिंग के साथ साथ सारा सामान, वायरिंग के साथ मिस्त्री सारा सामान हम आपको दिलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जब हर गाँव में जाएंगे तो 2-4 मकान, हर मार्केट में आपको 2-4-10 मकान आप विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। अब बाकी मार्केट में आप बैठे हैं, बहुत लोगों को ऐसी है जो चीज़ें खराब हो जाती है घर की तो वो बदलना होता है, कुछ नई चीज़ें जैसे गर्मी आ गई तो पंखा बहुत ज़्यादा बिकता है, कूलर बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है, मोटर भी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं गर्मी में, सर्दी आ गई तो हीटर बिकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीजन वाइज बढ़ता और घटता रहता है और लोगों की ज़रूरत भी बढ़ती है, तो वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके बहुत भारी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस पर आप ज़रूर फोकस करिए, ये बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है दोस्तों, और ये बिजनेस सबसे अच्छा चलने वाला है। और नए नए स्टॉक आते जाएंगे, नए नए फैशन आते जाएंगे, नए नए चीजें आती जाएंगी और आप उसे
बेचते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी जानकारी बिजनेस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस बिजनेस कॉन्सेप्ट पे आप अपने लोकल में और भी रिसर्च करिए, और उम्मीद है दोस्तों अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगे तो यार इस बिजनेस को ज़रूर शुरू करिएगा। ठीक है, और पहले आप जगह का रिसर्च कर लीजिए, बिजनेस का रिसर्च कर लीजिए, और भी लोगों से राय बात कर लीजिए, इसके बाद इस बिजनेस को ज़रूर सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, और ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी इस तरीके के बिजनेस आइडियाज से लेके बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।